मौलाना फजलुर रहमान किससे सौदेबाजी करना चाहते हैं? मौलाना की जिद के पीछे वजह क्या? सहाफी जावेद चौधरी ने सरबराह JUI से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। अपने व्लॉग में सीनियर सहाफी जावेद चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, लेकिन अपने बयानात में वो वज़ीर आज़म को जाली भी कहते हैं। अगर वज़ीर आज़म जाली हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ से क्यों मिले? मुलाकात के वक्त क्यों आओ भगत करते रहे? दूसरी बात कि मौलाना फजलुर रहमान इस पार्लियामेंट को नहीं मान रहे, लेकिन खुद इसी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन हुकूमत से मुतालबात भी करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के दलाल में कोई हकीकत नहीं, वो सिर्फ अपना वजन बढ़ा रहे हैं। सहाफी जावेद चौधरी ने दावा किया कि मौलाना सिर्फ ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे राबता करे। मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि KP में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, लेकिन साथ ही वो ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम की हिमायत के बजाय इसे अदम इस्तेहकाम भी कह रहे हैं। ANP हो या JUI, तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात, ये सब जो एतराज कर रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह एतमाद में ना लेना है। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि उन्हें GHQ बुलाकर कुछ मुतालबात माने जाएं और इज्जत दी जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 2 साल यही कोशिश है कि इन सब का आज GHQ से राबता हो जाए, तो फिर ये कहेंगे कि हम दिल पर पत्थर रख कर ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं।